भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय राज्य से अधिवेशन का आज समापन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। बासित जी, आज प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा के साथ चार्ज करके कार्यकर्ताओं को भेजा, क्या कहेंगे? ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है, और जिस तरह का आज प्रधानमंत्री जी का हमें उद्बोधन सुनने के लिए मिला है, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ता को मिली है, और हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की सबसे खास बात थी। हम गरीब कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज़्यादा हम करेंगे, और एक बार फिर से मोदी सरकार ये निश्चित है। और जो विदेश के लोग आज प्रधानमंत्री जी को चार चार छः छः आठ आठ महीने बाद इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये भी है कि पूरी दुनिया को संदेश जा चुका है कि एक बार फिर मोदी सरकार। वासिष्ठ जी, 400 पार का लक्ष्य दिया गया है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या नई नीति है, प्रदेश में क्या किया जाए? देखिए, जो भी नीतियां हैं उसमें अल्पसंख्यक खुद समाहित हो जाते हैं। आज योजनाएं सबके लिए हैं, आज योजनाएं एक वर्ग के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, आज सबका साथ सबका विकास अगर है तो योजनाओं में दिखता है, ये प्रधानमंत्री जी भी बताया है। तो आप क्या तैयारी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश भर में नए अभियान शुरू करने की, जैसे मोदी भाईजान आपका शुरू हुआ, फिर कौमी चौपाल शुरू हुआ, अब नया क्या है? हमारा पहले से ही शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहा है, अब कौमी चौपाल चलेगा, और लाभार्थी संपर्क हमारा विशेष रूप से चलेगा। क्या इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान और तेजी से साथ आएगा? निश्चित, आज न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, आज मुसलमान यही कह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, जिनका साफ तौर पर कहना है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस चुनाव में मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली।